नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, भारत पर होगा असर। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से फेडरल रिजर्व ने 10 साल के बाद ब्याज दर 0.25% बढ़ाने का फैसला किया है। अब ब्याज दर 0.50% होगी। ब्याज दरें बढ़ने का सीधा असर पूरी दुनिया पर होगा और इससे भारत भी अछूता नहीं होगा। डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर। भारत का शेयर बाजार तो इससे प्रभावित होगा ही, साथ ही साथ आयात करने वाली वो हर चीज महंगी हो जाएगी जिसका भुगतान डॉलर में करना होता है। फेड के फैसले के बाद भारतीय बाजार की तेजी के पूरे आसार हैं और आईटी फार्मा जैसे शेयरों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। कच्चे तेल और सोने में और गिरावट आ सकती है। मुंबई में एयर इंडिया के इंजन में फंसकर कर्मचारी की दर्दनाक मौत। मुंबई हवाई अड्डे पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में एयर इंडिया के एक विमान के इंजन में खिंचे चले जाने से विमान के एक तकनीकी कर्मी की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब छत्रपति शिवाजी घरेलू हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान हैदराबाद जाने को तैयार था। सह पायलट ने गलती से इंजन शुरू करने का संकेत समझा और उसे चालू कर दिया, जिससे इंजन के करीब खड़े तकनीकी कर्मचारी रवि सुब्रमण्यम इंजन में खींचे चले गए। एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस दर्दनाक घटना से बहुत दुखी हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदनाएं हैं। असहिष्णुता पर दिए गए बयान पर शाहरुख खान ने माफी मांगी। फिल्म दिलवाले रिलीज होने से पहले लगता है शाहरुख खान को देश में सब कुछ ठीक नजर आने लगा है। शाहरुख ने अपने असहिष्णुता वाले बयान पर माफी मांगी है। शाहरुख ने कहा कि देश में असहनशीलता नहीं है, सब कुछ ठीक है। असहिष्णुता वाले बयान पर शाहरुख ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कभी भी असहिष्णुता नहीं हुई, मैं देशभक्त हूं और बहुत खुश हूं। उल्लेखनीय है कि शाहरुख की बहुचर्चित फिल्म दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है। शाहरुख के इस बयान को भी फिल्म की रिलीज से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि देश के कई बड़े शहरों में फिल्म का विरोध करने की तैयारी चल रही है।